नागपुर को आंदोलन के तौर पर भी देखते थे, विचारधारा के तौर पर भी देखते थे। लेकिन जब जिक्र आया कि आपको नागपुर जाना है और बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती का मौका है, तो बहुत सारी स्थिति हमारे आंखों के सामने थी। उसकी वजह बहुत सारी है। उसकी वजह शायद यह भी है कि इस शहर में पहली पहचान संजय जीवने से हमारी हुई, जिन्होंने दलित रंगभूमि शुरू की थी। और वो कैसा होना चाहिए दलित रंगभूमि, उसके पीछे हम लोग की लंबी चर्चा भी होती थी। और भी बहुत सारी स्थितियां रही ऐसी, लेकिन आज हम जब आए तो हम पूछ रहे थे कि नागपुर में वो लाइब्रेरी कहाँ पर है। तो इन्होंने बताया कि नागपुर की लाइब्रेरी वहीं पर है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, और वो पुरानी स्थिति में ही है, शिफ्ट नहीं हुई है। तो हम अक्सर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आते थे, पढ़ते थे। और संयोग ऐसा है कि चूंकि आप जब नागपुर में रह रहे हैं तो काहे बगाहे आपके जहन में दो तीन सवाल आएंगे ही। आंदोलन की जमीन रही है, फैक्ट है, आप उसका अध्ययन करेंगे। संघ का हेडक्वार्टर है, आरएसएस को समझने की कोशिश करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, उसके जरिए आप बाबा साहब अम्बेडकर को समझने की भी कोशिश करेंगे। और चूंकि हम नागपुर के नहीं हैं, महाराष्ट्र के नहीं हैं, और पहली बार आए, दिल्ली से आए, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जेएनयू में पहुंचे, उसको बीच में छोड़ा, अखबार निकालने यहाँ आ गए, तो यूनिवर्सिटी से निकला हुआ लड़का कोई भी होता है वो यूनिवर्सिटी के प्रतिबिंब को छोड़ नहीं पाता है। हम भी नहीं छोड़ पाए। और हमारे जहन में ये था कि नागपुर जा रहे हैं तो नागपुर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का लाभ तो उठाया ही जाए। और यही सोच के सबसे पहले मास कम्युनिकेशन में हमने एडमिशन लिया था। और उसके बाद जो बाहर से छात्र एमए वगैरह करते हैं उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस भी यहाँ से परीक्षा दी थी। तो नागपुर यूनिवर्सिटी से रास्ता लाइब्रेरी में जाकर रहने पहुँचने का। और हम उस दौर के कुछ कागजों को टटोल रहे थे जब ये बात हुई कि आपको जाना है। हमें बहुत पुराना अपना ही आर्टिकल मिला। उस समय प्रभास जोशी जनसत्ता के संपादक हुआ करते थे, और हमने आर्टिकल लिखा था उस समय विदर्भ को लेकर और किसानों को लेकर और ट्राइबल्स को लेकर, जो हमारी अपनी समझ थी, हम जरा उस नज़रिए को समझना चाह रहे थे। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है। इस किताब के रेफरेंस में हमने पूरा आर्टिकल लिखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोच रहे थे हिंदुस्तान के किसानों के बारे में। एक किताब ये थी। एक और एक आर्टिकल मिला, एक दूसरी किताब थी, हम उसका लेकर आए, जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज पर है। उसमें हमें पहली बार पढ़ते पढ़ते नजर आया कि बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू से चाहते थे कि योजना आयोग दे दिया जाए उन्हें। वो मंत्री बनना नहीं चाहते थे, वो प्लानिंग कमीशन के तहत वो इस देश को देखना चाहते थे। कई नजरिए से वो देख रहे थे, समझ रहे थे। और किसानों को लेकर उनका आखिरी हिस्सा यही मानना था, पढ़ते पढ़ते निकल कर आया कि उनका अंतिम उद्देश्य बड़ा साफ था कि जो किसान है उसकी क्षमता को कैसे हम बढ़ाएं। आज जो हम लोग कर्ज माफी का जिक्र सुन रहे हैं, उस किताब को अगर पढ़िएगा तो उसमें कर्ज माफी का पूरा वो चैप्टर है जिसमें बताते हैं कि किसान जो होता है तीन चार फसल पर टिका होता है। एक फसल आती है वो लगाता है, फिर दूसरे फसल में पैसा लगा देता है, फिर तीसरी फसल में लगा देता है। तो जहन में बहुत सारे सवाल हमारे अक्सर आते रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचा करते थे वो कितना मौजूदा वक्त में, आज की हमारी चर्चा मौजूदा वक्त से बिल्कुल जुड़ी हुई होगी। नॉस्टैल्जिया और बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत के आईने में जरा मौजूदा वक्त को हम आकलन जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करें तो हमें लगता है जैसे बहुत चर्चा होती है हिंद स्वराज की। महात्मा गांधी ने 1911 में जब हिंद स्वराज जब सामने आया, जो लिखा जा रहा था, तो हमें लगता है कि बहुत सारे कम लोग जानते होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर लिख रहे थे। और बिल्कुल वही पीरियड है जिस समय गांधी हिंद स्वराज लिख रहे हैं। उस पीरियड में जब चला जाइएगा, उस पर काम किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, बहुत काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। उस पीरियड में जब चले जाइएगा आप, तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर मौजूदा वक्त नहीं बल्कि नेहरू से लेकर अभी तक जो अंतर्विरोध रहे हैं उसकी वजह को क्या वो उस वक्त समझ रहे थे। उनके जहन में बस एक सवाल था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी चूंकि पराधीन है,
अंग्रेज यहां से सारी चीजें ले जा रहे हैं, जिस दिन हम स्वाधीन हो जाएंगे उस समय हमारे सामने कौन सा मॉडल होना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि उस पीरियड में वो शख्स अध्ययन कर रहा है, समझ कर रहा है, और बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले। और चूंकि हमारी आदत रही है, हम अपने टेलीविजन में भी जब खबर को लेकर आते हैं तो हम रेफरेंसेस के साथ लेकर आते हैं, जिससे कि सामने वाला काउंटर करे तो कम से कम वो रेफरेंसेस के साथ वो भी आए। अगर हम रेफरेंस के साथ हैं तो आप भी रेफरेंस के साथ हमको काउंटर करें, यह हमें बड़ा बढ़िया लगता है। और मुश्किल यह है कि मौजूदा सत्ता हो या इससे पहले मनमोहन की सत्ता हो, हम लोग तो रेफरेंसेस के साथ रहते हैं और हर सत्ता को हम लोग के साथ मुश्किल हो जाती है, ये एक अलग हिस्सा है। लेकिन बहरहाल हमारे जहन में एक सवाल आया और ये सवाल को लेकर हम लगातार राइटिंग भी कर रहे हैं। नेहरू अगर प्रधानमंत्री नहीं होते और सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या क्या हो सकता था, इसको लेकर अध्ययन हर कोई कर रहा है। हमने जितना अध्ययन किया, हमारे जहन में एक सवाल फिर उठा, कोई ये बात को क्यों नहीं कहता है कि अगर नेहरू नहीं, सरदार पटेल नहीं, बाबा साहब अंबेडकर अगर इस देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या होता। देखिए, ये मौका ताली बजाने का नहीं है, जरा इसकी कल्पना करने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर हम किस रूप में एक्सप्लॉइट उस पूरी दलित कम्युनिटी से लेकर बाबा साहब की सोच को लेकर करते रहे हैं, इसका बेहतरीन नजारा अगर देखना है तो उसके लिए भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। संविधान दिवस 2 वर्ष पहले पार्लियामेंट में 2 दिन के लिए चर्चा रखी गई, उस 2 दिन की चर्चा को, वो चूंकि स्क्रिप्टेड सारी चीजें होती हैं और हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया तो हर न्यूज चैनल की लाइब्रेरी में भी होगी, हमारी लाइब्रेरी में भी है, 2 दिन तक चर्चा संविधान पर हुई। संविधान दिवस का मौका था 26 नवंबर, 2 बरस पहले 2015 में, कभी मौका मिले तो उसको कोशिश कीजिए, पढ़ी देखिए जरा उसमें क्या निकलेगा, पूरा निचोड़ क्या निकलेगा। पूरा निचोड़ आपको निकल कर आएगा बीजेपी या RSS खुद को बाबा साहब अम्बेडकर से जोड़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस, मौजूदा कांग्रेस खुद को इंडिपेंडेंट कांग्रेस की स्थिति में लाकर देखना चाहती है कि उस पीरियड में जो डायलॉग्स थे बाबा साहब अंबेडकर के कांग्रेस को लेकर, वो कैसे थे, किस रूप में थे, और वो हमारे ही हैं। यानी एक निकटता का जिक्र बार बार आता है। उस पूरी बहस में इस बात का जिक्र किसी ने नहीं किया है कि वो कौन सी वजह थी कि नेहरू के मंत्रिमंडल को छोड़कर बाबा साहब अंबेडकर अलग हो गए। वो हिंदू कोर्ट बिल था, कौन विरोध कर रहा था उसका। हिंदू कोर्ट बिल के लेकर शहर शहर में किस तरीके से नारे कौन लगा रहा था, और हिंदू कोर्ट बिल क्या कहता है, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा और इस्तीफा दिया। हम आपको छोटा सा हिस्सा आपको बता दें, क्योंकि हमने जिक्र पहले ही कर दिया है कि बाबा साहब अंबेडकर के रेफरेंस के साथ बात होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर मेरे ख्याल से उस दौर के या अपने दौर के सबसे सुपठित व्यक्तियों में से एक थे। इसका जिक्र ये नहीं है कि वो अमेरिका में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल साइंस, लंदन में लॉ या फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे, बल्कि संस्कृत और पौराणिक, धार्मिक, पौराणिक और वेद संबंधी जो समूचा वाण्मय है उसका अनुवाद उन्होंने पढ़ा, समझा, और जो भौतिक स्थापनाएं उस दौर में थी उसको वो व्याख्या करते हुए आर्य और द्रविड़ को लेकर नई परिभाषाएं गढ़ रहे थे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे और उसके सांस्कृतिक महत्व को समझाना चाह रहे थे। और महत्व को समझाते समझाते वो इस चीज को भी बोलते हैं कि ब्राह्मणिज्म आप कास्ट में अगर देख रहे हैं तो मैं उसको एक सिस्टम में भी देख रहा हूं, और मुझे ये महसूस होता है कि अगर ये सिस्टम कंटिन्यू कर गया तो कल को अगर कोई जाटव भी उस पद पे आ जाएगा जहां पर ब्राह्मण बैठा हुआ है तो उसके भी वैसे ही रिएक्शंस होंगे। यानी वो सिस्टम को समझना चाह रहे थे, सिस्टम को लगातार समझ के उसको काउंटर कर रहे थे। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्यों बाबा साहब का नाम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लेने से कोई भी आज भी घबराता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल को लेकर जब इस्तीफा दिया था 27 सितंबर 1991, उन्होंने नेहरू को एक लेटर लिखा था। लिखते क्या है, बहुत दिनों से सोच रहा हूं, इस्तीफा देने का मन हो रहा है, एक चीज मुझे रोके हुए है, वो है इस पार्लियामेंट के जीवन काल में हिंदू कोड बिल पास हो जाए।
मैं बिल को तोड़कर विवाह और तलाक तक उसे सीमित करने पर भी सहमत हो गया। इस आशा से कम इसे लेकर, इन्हें लेकर ही हमने जो श्रम किया है वो सार्थक हो जाए। पर इस बिल के इस भाग को भी इस डिस्कशन में पार्लियामेंट के भीतर ही मार दिया गया, तो अपने मंत्रिमंडल में बने रहने का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है, ये मैं इस्तीफा को दे रहा हूं। अब आप सोचिए वो क्या सोच रहे हैं, हिंदू कोड बिल के जरिए वो सोच रहे हैं पति की मौत हो जाएगी तो विधवा बहन बेटी बेटा सबको बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए, चर्चा भी आप कर सकते हैं। वो और क्या सोच रहे हैं, वो एक कानून के जरिए चीजों को समझना चाह रहे हैं और उस सिस्टम के मिथ को तोड़ना चाह रहे हैं जो सिस्टम एक अंग्रेजों का और दूसरा एक ब्राह्मणिकल स्टाइल में जो हमारे यहां शुरू से बना रहा है वो इसको करना चाह रहे हैं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में, और हमने जब आज इस सवाल को उछाला है कि क्यों कोई नहीं जिक्र करना चाहता है कि बाबा साहब अंबेडकर को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, जब संविधान स्वीकृत हो गया उसके बाद उनका भाषण है, यह भाषण उन्होंने दिया है 25 नवंबर 1949। वो कहते क्या है, यह हिस्सा इसलिए सुनिए और इसको इसके रिफ्लेक्शंस में हम लोग मौजूदा वक्त में आ जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, कंट्रडिक्शन हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, राजनीति में हम समानता प्राप्त कर लेंगे परंतु सामाजिक आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी, राजनीति में हम यह सिद्धांत स्वीकार करेंगे कि एक आदमी एक वोट होता है और एक वोट का एक ही मूल्य होता है, अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम ये सिद्धांत नकारते रहेंगे, इक्वलिटी वहां नहीं होगी, एक आदमी का एक ही मूल्य होता है, यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक तौर पर नहीं रहेगी। कब तक हम अंतर विरोधों का यह जीवन बिताते रहेंगे, कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे, यह जिक्र 49 में हो रहा है। बहुत दिनों तक हम उसे नकारते रहे तो हम एक ऐसा राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल कर ही करेंगे, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम इस अंतर विरोध को दूर करना चाहिए, वरना जो लोग इस असमानता से उत्पीड़ित हैं वह इस समाज द्वारा इतने परिश्रम से बनाए हुए राजनीतिक लोकतंत्र के भवन को ध्वस्त कर देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो दलित आंदोलन की एक अपनी पहचान रही है, ट्राइबल्स का आंदोलन है, आपके जहन में उठ सकते हैं कि किसानों का आंदोलन हुआ जो प्रांत दर प्रांत, चाहे वो तेलंगाना से शुरू होकर बिहार तक जाए, बंगाल तक जाए, इस देश में नक्सल आंदोलन हुआ, इस देश के भीतर माइनॉरिटीज के कुछ सवाल निकल कर आए, या फिर इस देश के भीतर मंडल का जिक्र आपके जहन में आएगा, कमंडल का जिक्र आएगा। हम खाली आंदोलनों के उस स्थितियों को महसूस करना चाहते हैं, वो कौन सी स्थिति है, वो कौन सी एक नब्ज है जिसको आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असमानता तो है समाज में, और असमानता में सबसे उत्पीड़ित शब्द किसके साथ जुड़ जाता है, कौन है वो व्यक्ति और वो क्यों है, क्या इस चीज को आत्मसात करने की स्थिति में उस वक्त कांग्रेस थी, क्या इस चीज को समझने के लिए जनसंघ उस वक्त तैयार हुई जो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त शिफ्ट किया खुद को हिंदू महासभा से आरएसएस के पास पहुंचे, क्या वो थी, या एक लंबे पीरियड में किसी ने भी इस बात को चिंतन किया। और सोचिए जब भाषण खत्म होता है बाबा साहब अंबेडकर का, उसके बाद भाषण शुरू होता है नेहरू का, नेहरू भाषण में प्रस्ताव रखते हैं सामने संविधान सभा में, हमारा उद्देश्य ये है। नेहरू का भाषण खत्म होता है, बाबा साहब अंबेडकर फिर खड़े हो जाते हैं, ये तारीख है 13 दिसंबर 1949, नेहरू उद्देश्य बता रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर काउंटर करते हैं, बोलते हैं समाजवादी के रूप में इनकी जो ख्याति है, नाम नहीं लिया था, उस वो सारी जो डॉक्यूमेंटेड है,
इनकी जो ख्याति है उसे देखते हुए ये प्रस्ताव निराशाजनक है। ये जिक्र बाबा साहब अंबेडकर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, मैं आशा करता हूं कोई ऐसा प्रावधान होगा जिससे राज्य सत्ता, जिसके पास में सत्ता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल न्याय को यथार्थ रूप दे सके। उस दृष्टिकोण से मैं आशा करता हूं ये प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि देश में सामाजिक आर्थिक न्याय हो। इसके लिए उद्योग धंधे और भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जब तक समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई भी भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वो कर भी सकती है। 70 बरस तो बीत गए। अब उस परिप्रेक्ष्य में नेहरू हो, इंदिरा हो, मुरारजी भाई हो, बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, मौजूदा सरकार हो, इस असमानता का जिक्र किसने नहीं किया? हर किसी ने किया, अभी भी होता है। लेकिन यह असमानता कंटिन्यू क्यों करती है? फिर दोबारा लौटिए बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। बाबा साहब अंबेडकर अध्ययन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया था। PhD बन रहा था, मालवीय साहब सामने बैठे हुए थे और एक कोई अंग्रेज था, उनका नाम भूल रहे हैं, लेकिन मालवीय साहब और बाबा साहब अंबेडकर के बीच के डायलॉग को सुनिए क्या बोलते हैं। मालवीय कहते हैं आप अंबेडकर साहब को कि आपने बहुत एजुकेशन को लेकर बड़ा काम किया है, हम भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और PhD इस रूप में स्थापित होगा और हमने अलग अलग जगहों से पैसा कलेक्ट किया है, जमीन मिली है, ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे गर्व होना चाहिए कि आज हमारे साथ बाबा साहब अंबेडकर भी हैं जिन्होंने शिक्षा पर इतना काम किया और शिक्षा से एम्पावरमेंट आता है, यानी ताकत मिलती है। बाबा साहब अंबेडकर खड़े होते हैं, बोलते हैं, मालवीय जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टरेट हूँ, लेकिन मैं अछूत ही कहलाता हूँ। मालवीय जी कुछ सेकेंड के लिए खामोश हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। बोलते हैं, नहीं नहीं आप हमारे मित्र हैं, आप ऐसे शब्द अनटचेबल का शब्द आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बोले, मुश्किल ये नहीं है, एजुकेशन तो इसलिए होनी चाहिए कि आप सत्ता की भाषा को समझ सकें, लेकिन उसके बाद की जो लड़ाई है उस लड़ाई को हमें लड़ना होगा और समझना होगा कि इस देश में किन स्थितियों के साथ अगर अंग्रेजों से पावर शिफ्ट हुआ है तो उस पावर शिफ्ट होने के बाद वो कौन सी स्थिति आनी चाहिए, इस पर आप क्यों नहीं कहना चाहते हैं? मालवीय जी जो एक वक्त कांग्रेस भी संभाल रहे हैं और हिंदू महासभा भी चला रहे हैं, हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो रहा है तो दरवाजा बंद कर रहे हैं और बैनर जो है कांग्रेस का लगा रहे हैं, उसी सभागृह में फिर कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा है, यह भी स्थिति मालवीय जी ने देखी हुई है। लेकिन डिस्कशन में वहां वो नहीं आ रहे हैं जहां बाबा साहब अंबेडकर छूना चाह रहे हैं। तो वो सारी फिलोसफी जब जिक्र कर रहे थे मेश्राम जी की, हम यूनिवर्सिटी में चाहते हैं रिसर्च करें, हमें बहुत आशा है मेश्राम जी की, अगर क्या वाकई इस देश के लोग बाबा साहब अंबेडकर उस वक्त जो सोच रहे थे, हम सरदार पटेल के बारे में बहुत जानते हैं कैसे उन्होंने प्रांतों को मिलाया, हमारे जहन में महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच का जो संघर्ष है, चाहे वो अस्मिता को लेकर हो कि साथ हमारी अस्मिता अलग रहनी चाहिए, चाहे वो पूना पैक्ट के जरिए जो बाबा साहब अम्बेडकर को चोट लगी मानसिक तौर पर, उन्हें समझ में आया कि किस तरीके से नहीं हो रही चीज़ें, ये सारी चीज़ें लोग जानते समझते हैं। लेकिन क्या उस पीरियड में जो बाबा साहब अंबेडकर हिंदुस्तान, आने वाले हिंदुस्तान को देखना चाह रहे थे या देखने की कोशिश करते हुए जिन रचनाओं को रच रहे थे, क्या वो है? इस बात का जिक्र इसलिए है, उस समय क्या जनसंख्या थी जब भारत की आज़ादी मिली? 31 करोड़। आज की स्थिति में हिंदुस्तान में दलितों की तादाद कितनी है? 20 करोड़ 13 लाख। अब आप सोचिए, हम जब 70 साल का जिक्र करते हैं, 20 करोड़ 13 लाख में आपको जान के हैरत होगी, लिटरेसी रेट खुश हो सकते हैं 66% है, लेकिन कितने ग्रेजुएट होते हैं? सिर्फ 4% लोग ग्रेजुएट होते हैं। हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं? सिर्फ 3.96%। क्या स्थिति है? इसके आगे की स्थिति हम आपको बताते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जब जब जिक्र इस बात का होता है कि एम्पावरमेंट होना चाहिए, हम भी कह सकते हैं एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन आपकी भागीदारी कहां पर है, किस रूप में है? हम आपको एक बजट बतलाते हैं कि बजट का मतलब ये हो जाता है कि समूचा जो बजट बनाया जाता है और उसमें उसको कहते हैं शेड्यूल का सब प्लान, ऑल मिनिस्ट्री, सारे मंत्रालयों के जरिए
बजट एलोकेशंस होते हैं कि एसटी के लिए इतना कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए इतना कर रहे हैं, इसके लिए इतना कर रहे हैं। 2014-15 सबसे ज्यादा बजट दिया गया सारी मिनिस्ट्रीज को मिला के शेड्यूल कास्ट के लिए इस देश में कितना दिया गया, 43,208 करोड़ सारी मिनिस्ट्री। हम इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, खासतौर से हम आपको बताएंगे। अगले वर्ष 2015 और 16 सारी मिनिस्ट्रियों को मिला के कितना बजट दिया गया, 43,000 करोड़ से घटकर वो आ गया 30,850 करोड़। इस बार जो बजट आया है 16-17 का बजट जो आया उसमें कितना दिया गया, 38,833 करोड़। उससे पिछले बरस दिया गया था 30,000 करोड़, हम कह सकते हैं हमने बढ़ा दिया, 2014-15 से फिर भी कम है। जितनी तादाद हो, प्लानिंग कमीशन जब बन रही थी इस बात का जिक्र हुआ था, नेहरू ने अपने भाषण में जिक्र जब किया था तो राजेंद्र प्रसाद ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि जो बजट एलोकेशंस होना चाहिए कम से कम जो समुदाय जितनी बड़ी तादाद में है उसको उतना उस बजट का हिस्सा मिलना चाहिए। या तो वो गलत थे या मौजूदा वक्त गलत है। मौजूदा वक्त इसलिए गलत है क्योंकि 16-17 का बजट 38,833 करोड़ कहता है जो दिया गया है, और होना चाहिए 77,236 करोड़, 77,236 करोड़। ये बड़ी छोटी सी बात है कि बजट आ जाएगा तो क्या होगा, यकीनन बजट आ जाएगा तो क्या होगा, इसके आगे के अध्ययन में आप आइए। हिंदुस्तान के भीतर हम लोग जिक्र बार बार करते हैं मनरेगा का। मनरेगा के तहत बेस्ट पॉलिसी मानी जाती है, उसको मनमोहन सिंह के दौर में अपनाया गया और मोदी गवर्नमेंट ने उसको ना सिर्फ मान्यता दी बल्कि उसको हाईएस्ट बजट एलोकेशन दिया गया है, जो सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन है। हमने उसका भी अध्ययन करना शुरू किया कि भाई सबसे गरीब माना गया है जो मनरेगा का मजदूर होता है, कितना मिलता है उसको, तो वो अब 150 रुपए कर दिया गया है प्रतिदिन का, जो सामान्यता कमीशन उमिशन खत्म कर दीजिए तो 125 मिलते हैं और बहुत कमीशन कम कर दीजिए तो 75 रुपए मिलते हैं, यानी आधा जो है हिंदुस्तान में कहां चला जाता है ये आप समझ सकते हैं। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के आंकड़े बतलाते हैं एक दलित फैमिली में 5 लोगों का अगर परिवार हो तो प्रतिदिन गांव में रहने वाले परिवारों के हिस्से में आता है 69 रुपीज 83 पैसा, शहरों में 208 रुपए, 6,260 रुपए है टोटल। ये 5 व्यक्तियों के परिवार में है, उसको अगर आप कम करेंगे एक एक में आएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरह की हिस्सेदारी होगी। दूसरा हिस्सा हमारे यहां जो बीपीएल है, बीपीएल को लेकर भी बड़ी फिलॉसफी है, बीपीएल का मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो होते हैं, उसमें जो आंकड़े दिए जाते हैं कि 29 रुपए होंगे, फिर 30 रुपए कहा गया, फिर 35 रुपए कहा गया, इतनी आय होनी चाहिए, इसके नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा। अरे जिस देश में 80% वो परसेंटेज भी हमारे पास है, आप कल्पना कीजिए कि जिस देश में लगभग 85% गरीबी रेखा से नीचे तबका आ रहा है, वो क्या करेगा, इसकी कमाई 5,000 भी नहीं है महीने की और 5 व्यक्तियों का परिवार है और सिर्फ 4% लोग हैं दलित सोसाइटी में जो 10,000+ में आते हैं महीने के। अब आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि हम लोग जिन परिस्थितियों में हैं उस परिस्थितियों में आज जब हम ये व्याख्या कर रहे हैं, अगर ये व्याख्यान 1952 में चल रहा है तो आप क्या कहेंगे, 1952 में बाबा साहब अंबेडकर इस बात का जिक्र करते हैं कि आने वाले वक्त में जो असमानता है वह कितनी असमानता इस समाज के भीतर होने वाली है, क्योंकि नेहरू मॉडल बड़ी इंडस्ट्री को ले आया, बड़े बांध बना दिए, सरमाएदारों की पार्टी के तौर पर पहचान बनती चली गई, जनसंघ छोटे व्यापारियों की पार्टी के तौर पर बनती चली गई। कहां है समाज अगर पॉलिटिकल नहीं है तो किस रूप में समाज होगा। और आज जब हम खड़े होकर कहते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बतलाते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स ने
सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर लिया है। बाबा साहब अंबेडकर 1952 में कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में पॉलिटिकल पावर इतना मजबूत हो जाए कि इस देश की डेमोक्रेसी उसी में सिमट जाए। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे ज्यादा खर्च 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ है। यानी डेमोक्रेसी ही पॉलिटिकल पावर हो जाए, ये वो सोच रहे हैं उस पीरियड में। अगर वो शख्स सोच रहा है ऐसा, तो क्या वो नेहरू से टकरा नहीं रहा है? क्या वो उस वक्त के तमाम पॉलिटिकल सिस्टम से टकरा नहीं रहा है? यकीनन टकरा रहा है, और वो उन पॉलिटिकल सिस्टम से ही नहीं टकरा रहा है, बल्कि उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से टकरा रहा है जो पॉलिटिकल फॉर्म में उस वक्त हमारे यहां बनना शुरू हुआ था और आज की तारीख में हमारे सामने खड़ा हुआ है। और इस पॉलिटिकल ढांचे को देखते हुए वो उस वक्त कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में सरमाएदार ही पॉलिटिशियन हो जाए। वो शख्स इस बात का जिक्र कर रहा है, तो वो शख्स किसे मंजूर होगा कि वो प्रधानमंत्री बन जाए? किसी को मंजूर नहीं होगा। हमें तो एक मॉडल चाहिए, उस मॉडल में एक मार्केट चाहिए, मार्केट में एक फैटी मिडिल क्लास चाहिए, और एक इस तरीके से सोसाइटी के भीतर एक कंफ्यूजन चाहिए जिसमें इस बात का एहसास लगातार बना रहे कि कमजोर तबके को मदद चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर कमजोर तबका सरकार की तरफ ही देखता रहे। ये भी सिचुएशन है। यानी आप किस रूप में है या नहीं है, इसका एहसास आपको नहीं होगा, इसका एहसास आपको पॉलिटिक्स कराएगी। और यह सच है कि मौजूदा वक्त में इस देश की राजनीति ने किस इंस्टीट्यूशन को छोड़ा है। मौजूदा वक्त से ही मतलब नहीं है, याद कीजिए जिस वक्त 2011 में घोटाले आ रहे थे, 12 में घोटाले आ रहे थे, 13 में घोटाले आ रहे थे, उस पीरियड में अध्ययन तो हम खूब कर रहे थे। हम ही वो शख्स हैं जो सबसे पहले कोयला घोटाले के पेपर्स हमने निकाले थे और इस देश को समझाया था, जनसत्ता में आर्टिकल लिखा था, बताया था किस तरह से खदानों की लूट हो रही है। संयोग से हम ही वो व्यक्ति हैं जिसने राडिया टेप के पेपर्स को सामने लेकर आया था, जिस समय कोई दिखाना नहीं चाह रहा था, बचना चाह रहा था, हमने बताया, छपाया था, सामने लेकर आया था, लेकिन राजनीति उस पर कारपेट डाल रही थी। और उस पीरियड में याद कीजिए 2011 से लेकर 2013 तक हिंदुस्तान के 21 कॉरपोरेट घराने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को 4 बार लेटर लिखते हैं कि आप गवर्नेंस ठीक नहीं चला रहे हैं। हिंदुस्तान में कॉरपोरेट इतना मजबूत हो गया कि वो प्राइम मिनिस्टर को बोले और लेटर लिखे, लिखा गया। रेफरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इसकी बारीकी को समझिए कि जिस पॉलिटिक्स से घबराहट थी बाबा साहब अंबेडकर को कि आने वाले वक्त में ये स्थितियां हो सकती हैं, हम देख रहे हैं वो होते होते हो गई है। तो क्या अगर वो शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया होता उस समय, तो क्या ये स्थितियां होती? वो तो फर्स्ट अटैक वहीं पर करता। वो किसे मंजूर होगा? ना तो पिरामिडल सिस्टम को वो मंजूर होगा, ना वो उस पश्चिमी इकोनॉमिक मॉडल को वो मंजूर होगा, ना वो इस बात को मंजूर होगा जो कि देख रहा है कि किस तरीके से वोट बैंक बनना है। आपको जान के एक और चीज होगी, बाबा साहब अंबेडकर एक और जिक्र करते हैं, जब बात आई इस देश में कि पंचायत स्तर पे भी चुनाव होने चाहिए, बोले अरे रोकिए इसे, वो नेहरू से उनके डायलॉग्स हैं, बोले ये आप क्या कर रहे हैं, बोले क्यों डेमोक्रेसी है पंचायत स्तर पर होगी, बोले हो तो जाएगी, लेकिन आपने कास्ट खत्म नहीं किया है, कास्ट सिस्टम को जीवित रखा है, और पंचायत स्तर पे जब चुनाव होंगे तो कास्ट बेस पे होंगे, और वही कास्ट बेस धीरे धीरे होते होते आपकी पार्लियामेंट को इफेक्ट करेगा। ये हो रहा है साहब, आप देख रहे हैं, और इसका जिक्र वो 50s में कर रहे हैं। और हमारे यहां पंचायत स्तर का मौका हो या निकाय का मौका हो, किसी भी चुनाव में देख लीजिए कास्ट मैटर करती है, आपके पास दूसरी कोई स्थिति नहीं है। और शायद इसीलिए वो कास्ट के प्रोसेस में होते होते स्थिति ये आ गई इस देश में कि हर कोई वोट बैंक है नहीं तो नहीं है, हर चीज पॉलिटिक्स है नहीं तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगी नहीं तो, अब आपके पास क्या उपाय है इसका, आप इसको काउंटर कैसे करेंगे अगर इस रूप में स्थिति आके आपके दरवाजे पर खड़ी है तो। अब इसका एक दूसरा हिस्सा लाइए, लोग कह सकते हैं अरे बाबा साहब अंबेडकर उस वक्त ये सोच रहे थे तो हो सकता है वो अभी सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो वो भी करप्ट हो सकते थे, आप कह सकते हैं। वो फिर एक और सवाल खड़ा करते हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो ब्राह्मणिकल सिर्फ जातीय स्थिति नहीं है बल्कि ये सिस्टम है, और उन्होंने ये भी यहां तक भी कहा कि कोई जाटव भी अगर वहां चला जाएगा तो फिर हो सकता है वो करप्ट हो जाए, इस बात को वो टच कर रहे हैं। और ये उदाहरण देते हैं, बोले
एक चीज और ध्यान दीजिए और अध्ययन कीजिएगा, सिर्फ अगले दो इलेक्शन 1952 में इलेक्शन हुआ और उन्होंने बोला कि 1957 का इलेक्शन के बाद भी आप लोग वेट कीजिएगा, वो उस समय के बाद फिर वो जो इंतजार था कि शायद वो लिखेंगे, उसके बाद उनका निधन हो गया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जरा अध्ययन कीजिएगा। इस पॉलिटिकल पावर पे मैं चोट इसलिए करता हूं कि एक तरफ लोहिया जब इस बात को डिस्कशन करते हैं कि इतनी असमानता है और ऐसी सोच है और नेहरू का जीवन इतना रईसाना है, इस बात का जिक्र वो बाहर कर रहे थे उस समय, उस समय तक पार्लियामेंट में आए नहीं थे, पार्लियामेंट में आए तो लोहिया का बड़ा जबरदस्त जो आर्गूमेंट्स है, जो 3 आना बनाम 16 आना जो है कि वो बताते हैं कि पर कैपिटा इनकम कितनी थी उस समय, जो बहस हुई थी और आखिर में उस समय प्लानिंग कमीशन को नीचे आना पड़ा था कि वो ठीक कह रहे हैं, और 11 या 9 आने पर आकर सहमति हुई थी, 16 आने उस समय कहे जा रहे थे, लेकिन बाहर तो चित्र लगातार हो रहा था कि इतनी रईसी कांग्रेस के भीतर है। उन्होंने बोला कि जो भी पॉलिटिशियन किसी भी कास्ट का हो उसकी संपत्ति का एनालिसिस कीजिएगा मौका मिले तो। अब ये बात वो कब कर रहे हैं, 50s में कर रहे हैं। हम लोग चूंकि इसको पढ़ते रहते हैं और हम अच्छा मौका रहता है, हम लोग हर चीज खबर का एक पेक खोजते हैं कि कौन से पेक में, तो संयोग ऐसा होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है, आज संयोग से हम दिल्ली में होते तो कार्यक्रम उन्हीं पे करते, रात में आपको देखने का मौका मिलता लेकिन यहाँ पर है, या फिर पुण्यतिथि का मौका होता है तो भी प्रोग्राम ये करते हैं, या फिर कुछ खास गवर्नमेंट ऐलान कर दे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तो फिर हम लोग उस पर अध्ययन शुरू करते हैं, यार जरा किस तरह से फैक्ट क्या है इसको बताया जाए। हमने देखा अध्ययन जब करना शुरू किया कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में 80s बिना कहिए 91 तक आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ संपत्ति जो है बढ़ती हुई जो दिखाई देगी वो हमने एनालिसिस किया, इसलिए हमारे को आंकड़े हर याद हैं। आप सोचिए 1952 में चुनाव लड़ने वाला शख्स 1971 तक जो एक महत्वपूर्ण स्थिति बनती है, इंदिरा गांधी उस समय आ गई, नेहरू के या नेहरू के पीरियड तक ही ले आइए या इंदिरा गांधी के पीरियड तक लाइए या लाल बहादुर शास्त्री के रखिए, पॉलिटिशियंस की संपत्ति इस देश में बढ़ती है 17 से 19% रेज कर रही है संपत्ति, और सोसाइटी में जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रेट का मतलब ये हुआ कि जो रोजगार सरकारी नौकरी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको जो संपत्ति जो डेवलप हो रही है वह 3% से 6% के बीच में है, पॉलिटिशियंस की बढ़ रही है 17 से 19%, उनकी बढ़ रही है 3 से 6। 71 से 91 के बीच में आइएगा, पॉलिटिशियंस की संपत्ति जो है वो राइस की वो 33% से लेकर लगभग 43% तक, 10% का हम लोगों ने रेंज रखा, उसके बीच में वो कर रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो पैसा मिल रहा है वो एवरेज में हम लोगों ने निकाला था, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का उस रूप में मिला नहीं, उसकी बड़ी कम थी, लेकिन वो 7% से आगे बढ़ नहीं पाया, 7% 50% ये बढ़ गया 91 के बाद से। 91 इसलिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि वो हमारे यहाँ मार्केट इकोनॉमी का बाजार खुलता है, मनमोहन सिंह की फिलॉसफी आती है और वीवी नरसिम्हा राव का दौर आया है, सब चीज़ खुल रहा है, बाजार खुल रहा है, आवारा पूंजी हिंदुस्तान में आ रही है, हिंदुस्तान की पूंजी बाहर जा रही है, लग रहा है सीमा की रेखा मिट जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बाहर जा रही है अंदर आ रही है, ये प्रोसेस शुरू होता है। 91 से लेकर 2001 तक 10 बरस में पॉलिटिशियंस की संपत्ति 50% से रेज करके 75% चली गई। ये पॉलिटिशियन अभी हम सिर्फ लोकसभा का बतला रहे हैं आपको, राज्यसभा वाला मसला पे भी आ जाएंगे और विधानसभा में भी आ जाएंगे, वो रेज कर रही है इतनी पहुंच गई। 2001 से लेकर 2014 कहिए या 16 कहिए जो कहना है, 16 तो हम कह नहीं सकते हैं, 14 तक कहेंगे क्योंकि हलफनामा जो दायर किया जाता है, और 2016 का जिक्र हम इसलिए भी कर सकते हैं कि कुछ जगहों पे कुछ सांसद माने कुछ विधायक बनने कुछ चले गए, वहाँ उन्हें हलफनामा दायर करना पड़ा, कुछ ने छोड़ा है पद, कुछ विधायक सांसद बन गए, तो ये सारी चीज़ों के बीच में जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें कुछ विधायक चुनाव लड़े तो इस बीच में सांसद बने, वो एवरेज जो है जो पॉलिटिशियंस की जो संपत्ति बढ़ने का जो आंकड़ा है वो 100 से 200% है। ये बड़ा बेसिक है, मतलब किसी का 100% बढ़ा है, किसी का 500% तक बढ़ा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है जो मौजूदा वक्त में है, वो भी हमने दिखाया, ऐसा नहीं है, मायावती का बड़ा है,
अरुण जेटली साहब का बड़ा है, कपिल सिब्बल साहब का बड़ा है, ये तीन हमने जिक्र भी किया था, दिखाया भी था कितने हाई परसेंटेज में पैसा बढ़ता है। और उसी पीरियड में, इसी पीरियड में हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों को जो पैसा दे रही है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अगर इन दोनों को मिला दीजिएगा, इन दोनों को मिलाने का मतलब यह है कि इस दौर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्थिति बहुत खराब हो गई, संयोग से वहाँ पैसा कम होने लगा। यहाँ पर सरकार कुछ कुछ पैसा दे रही थी, लेकिन वो एवरेज जो आया उसको भी जब देखा दो डिजिट में पहुंच ही नहीं पा रहा है, 10% में नहीं आ पा रहा है। रेंज ऑफ इनकम जो है, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा 200% हो गया। महंगाई की रफ्तार का एवरेज 18% एवरेज से चल रहा है। आपके पास पैसा धीरे 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 कम हो रहा है, जो आप ही का बैंक में पैसा है या आप ही के पास पैसा है वो कम हो रहा है। इस स्थिति में हम आकर खड़े हैं। अब अगर उसका जिक्र 1952 में हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर कर रहे हैं, इंडिकेशंस दे रहे हैं वो सिर्फ, क्योंकि हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जरिए जो चीजें लिखी गई, चूंकि वो वहां पर अध्ययन जब कर रहे थे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इस पर बड़ा काम किया और उनके अध्ययनों को आधार बना के हिंदुस्तान को उस परिपेक्ष में देखने की भी कोशिश की। तो उस अध्ययन को करते समय उस रेफरेंसेस को, अब तो आपके पास सुविधा है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर जो पेपर्स लिखे गए हैं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाम से बाबा साहब अम्बेडकर को जोड़ते हुए आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने, फिगर्स आएंगे सामने। हम लोग इस स्थिति में खड़े होकर समझना चाह रहे थे कि फिर वो कौन सी स्थिति थी जिसमें इस बात का जिक्र हो जाता है कि साहब ये वोट बैंक है, इस वोट बैंक के एम्पावरमेंट के लिए हम राहत इतना देंगे, पैकेज इतना देंगे और बाकी भी काम इतना देंगे। हमने इसका भी अध्ययन किया, हमने सोचा हिंदुस्तान में वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त तक में जितनी भी सरकारों ने जितने भी पैकेज दिए हैं और जितनी भी राहत दी, जितनी भी योजनाएं लेकर आए, बावजूद इसके वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें जो व्यक्ति गरीब है वो और गरीब हो गया, सामाजिक तौर पे असमानता और बढ़ गई, स्थितियां और विकट हो गई, ऐसा क्यों हो गया? एक कारण पॉपुलेशन नजर आती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपके पास स्रोत सीमित हैं, आप स्रोत को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी नजर आ रही है और इसमें आपको आना होगा, दोबारा उस पॉलिटिक्स में लौटना होगा जिसको खतरा बाबा साहब अम्बेडकर आजादी के तुरंत बाद और पहले चुनाव से पहले लकीर खींच रहे हैं। 1949 से लेकर 52 के बीच का अध्ययन कभी मौका मिले तो बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर क्या कह रहे हैं, किस हिसाब से वो सोच रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जॉब पॉलिटिक्स में है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक की स्थिति में जब आप आइएगा तो ये आंकड़ा भी हमने निकाला कि कितने पदों पर चुनाव होता है, उन पदों पर चुनाव लड़ने वाले लोग जो होते हैं वो कितनी बड़ी तादाद में होते हैं और हर लोग के पीछे चुनाव लड़ाने वाले जितने लोग होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। और ये एक पूरा अध्ययन है, इस अध्ययन के समानांतर में हम उसका आंकड़ा बतलाते हैं आपको, लेकिन उस अध्ययन के समानांतर में कभी आपको मौका मिले अगली बार जब महाराष्ट्र में चुनाव हो या देश में चुनाव हो तो अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने धीरे धीरे वो टाइम पीरियड और कम कर दिया है, अब 30 दिन में ही चुनाव है, उस 30 दिन के भीतर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन लीजिए, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको काम करना है, सेंट्रल नागपुर ही ले लीजिए मान लीजिए, या फिर नागपुर के लोकसभा सीट पे आप अध्ययन करना चाहते हैं उसको कर लीजिए, उस पीरियड में कितना पैसा लीगली खर्च हो रहा है और कितना गैरकानूनी खर्च हो रहा है। लीगली का मतलब ये होता है एक सांसद 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, सांसद नहीं एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा होता है, तो जाहिर है एक सीट पे हम एवरेज मानकर चलते हैं 10 कैंडिडेट होंगे तो 7 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए और सारे के सारे पॉलिटिशियंस कहते हैं जनाब 70 लाख में तो कुछ नहीं होता है, जो बढ़ा दिया गया 70 लाख मैक्सिमम है, एवरेज 52 लाख है, वो राज्य और क्षेत्र के हिसाब से चीजें तय होती हैं, विधायक के लिए 40 लाख है, वो भी 25 से 40 लाख के बीच में रेंज दिया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिएगा तो इलेक्शन कमीशन के मातहत जो निर्धारित रकम है वो रकम जो खर्च की जा रही है वो पैसा इससे पहले और बाद किसी महीने में खर्च क्यों नहीं हुआ, वो पैसा कहां से आ गया, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, उस पीरियड में कितने लोगों को रोजगार मिला, झंडा बनाने वाला, बैनर बनाने वाला, नारा लगाने वाला, सड़क पे दूसरे के खिलाफ बोलने वाला, कुछ भी, गाड़ी चलाने वाला, जो भी सोच लीजिए,
ये एक रोजगार कहां से पैदा हो गया, इलेक्शन हो रहा है पैदा हो गया। और इन स्थितियों में जो गैर कानूनी, जो खुद इलेक्शन कमीशन भी आंकड़ा देता है, वो पिछले ही 2014 के चुनाव में उसने 36,000 करोड़ का आंकड़ा दिया था कितना खर्चा हो, हम लोगों ने तो निकाला तो और ज्यादा निकल रहा था कि क्योंकि पिछला चुनाव जो था वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे ज्यादा खर्च 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ, ये इलेक्शन कमीशन का ही डाटा है। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जिक्र कर रहे हैं 50s में, कांग्रेस से पूछ रहे हैं चुनाव लड़िएगा पैसा तो चाहिए होगा, जीरो बजट पे क्यों नहीं लड़ते हैं चुनाव आप लोग, पैसा तो बोले भाई फ्यूल चाहिए, गाड़ी जाएगी घूमेगी, झंडा रहेगा, निशान रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, तो बोले पैसा आएगा कहाँ से, बोले नहीं वो 10-10 पैसे और चवन्नी जो होती थी हम लोग लेंगे और इस रूप में पैसे की किया जाएगा। ये आर्गूमेंट सुन के अपनी डायलॉग्स में किताब में है कि वो डायलॉग्स हम कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पैसा कहाँ से आया, मान लीजिए टाटा बिरला उस समय थे, सरमाएदारों का जिक्र जो हम कर रहे हैं, बोले लेकिन वो फिर सवाल करते हैं 1952 के इलेक्शन के बाद कि ये पैसा जिन्होंने दिया है उनको क्या मिला। इंडस्ट्री की दिशा में नेहरू आगे बढ़ चुके हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुल रही है देश में, और फिलॉसफी उसी समय चाइना में एक रेवोल्यूशन हुआ है, चाइना छोटी छोटी चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है, छोटे रहट से सिंचाई हो जाए, गांव में डॉक्टर्स को बोल रहा है गांव में जाइए आप लोग काम करना शुरू कीजिए, हिंदुस्तान में उल्टी धारा चल रही है या वहां उल्टी धारा चल रही है कि लोग को शहरों से गांव भेजा जा रहा है, भारत में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि गांव से लोग शहर जिला मुख्यालय आए। ये एक प्रोसेस जब आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों गांव के गांव खाली आज हमें महसूस हो रहे हैं, उस समय हमने क्यों नहीं सोचा था उस समय, और बाबा साहब अम्बेडकर उस समय क्यों सोच रहे थे, तो वो उस इकोनॉमिक को समझ रहे थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का छात्र है कोई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, कोई अध्ययन कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को समझ रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के खनिज संसाधनों को लूट रही है उसमें वो लिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, और वो शख्स अध्ययन करते हुए इंडिकेट कर रहा है हिंदुस्तान के बारे में लगातार। और हम आज की तारीख में उसी को लेकर खड़े होके हम या तो बाबा साहब को लेकर बहुत इमोशनल हैं कि भाई बाबा साहब हैं, या फिर इस बात को लेकर है कि बाबा साहब के जरिए ही हम जिक्र करें, अपने आप को किसी तरीके से जोड़ लें, लेकिन उनकी फिलॉसफी नहीं सामने आनी चाहिए, इससे हम बचना चाहते हैं, क्योंकि फिलॉसफी आ जाएगी तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स डगमगाने लगेगी, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स, बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी फिलॉसफी, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र को लेकर हो, अगर पॉलिटिक्स आप छोड़ भी दीजिए सब डगमगाने लगेगी, जवाब किसी के पास नहीं है इस बात का, जो हिंदू कोड बिल से बात शुरू हुई थी कोई जवाब नहीं, और पार्लियामेंट के भीतर जो उन्होंने सवाल खड़े किए थे उन सवालों का जवाब आपको आज भी कोई नहीं देगा, वो इमोशनल हो जाएगा उसकी, वो बोलेगा नहीं नहीं साहब बाबा साहब ने बहुत पढ़ाई की और बहुत संघर्षपूर्ण जीवन था, संघर्ष से निकल कर वो सामने, हो सकता है। ये सारी चीजें लगातार, चूंकि हर जयंती हर पुण्यतिथि पर हम लोग लगातार इसको सुनते हैं और ये महसूस करते हैं, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि विदेशों में भी इस बात का जब जिक्र होता है तो ये चीजें आती हैं हमारे सामने, लेकिन जो क्रिटिकल अध्ययन जब होना शुरू होता है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में तो वो कौन सी स्थितियां आई कि दलित वोट बैंक के तौर पर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर इमोशनली हमको नजर आने लगे और हिंदुस्तान का पूरा चरित्र एक दूसरा हो, सरमाएदारों का हमने जिक्र किया, राज्यसभा में, राज्यसभा में हमने अध्ययन किया 62% सांसद ऐसे हैं जिनकी अपनी कंपनियां हैं और जो कमेटियां बनाई जाती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, तो हर सांसद को उसमें स्पेस दिया जाता है। उदाहरण के लिए मौजूदा वक्त में जाना नहीं चाहिए, वो आप लोग अध्ययन कीजिए, जैसे उदाहरण इसलिए दे सकते हैं क्योंकि वो शख्स अभी हिंदुस्तान छोड़ चुका है, विजय माल्या। विजय माल्या को चुनाव कौन जिताता है पहले राउंड में, वहां की लोकल पार्टी होगी, उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कांग्रेस वोट डालती है, उसका टर्म खत्म हो जाता है, फिर दूसरी बार कौन जिताता है, तब कांग्रेस पल्ला झाड़ लेती है, बीजेपी जिताती है। विजय माल्या सांसद है, विजय माल्या एविएशन मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य है, सबसे प्रमुख और उनकी लीडरशिप पे चल रही है, और उनका हवाई जहाज इस देश में उड़ रहा है तो पॉलिसी क्या बनेगी उस उनके हवाई जहाज के लिए, ये आप सोच सकते हैं। तो ये हम विजय माल्या को लेकर कह सकते हैं आज की तारीख में, लेकिन 62% लोग हैं साहब, आप करो क्या करोगे। तो हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारा पूरा पॉलिटिकल ढांचा
अगर सिर्फ इन स्थितियों को देख रहा है कि कहां पॉलिटिकल वे में जो भी किसी भी तरीके से आ जाए, एजुकेशन मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान का बजट 53,000 करोड़, 53 और 63 के बीच में रेंगता है, और हिंदुस्तान से जो बाहर पैसा जाता है प्राइवेट सेक्टर में हायर एजुकेशन के नाम पर, जो छात्र और बच्चे जाते हैं विदेशों में, 93,000 करोड़ सिर्फ फीस देते हैं, रहना खाना पीना अलग है, 93,000 करोड़ सिर्फ फीस देते हैं। हेल्थ सेक्टर में आपके यहाँ का जो बजट है हिंदुस्तान के भीतर का, अगर समूचा बजट ले आइएगा तो वो तकरीबन 1,00,000 करोड़ 1.25 लाख करोड़ से आगे का नहीं जाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ सेक्टर के जरिए हर साल सिर्फ कमाई 6,00,000 करोड़ से ज्यादा की है। अब कल्पना कीजिए आप कहां पर हैं। हम इन बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था, ये मिनिमम जरूरतें हैं जो आपको मिलनी चाहिए, और इसको लेके वो लगातार जद्दोजहद कर रहे थे, और जद्दोजहद करने के बाद वो सवाल भी खड़ा करते हैं उसके बाद कि जिक्र तो हो गया, जिस आर्थिक और सामाजिक असमानता का हम बात कर रहे थे यही नहीं अगर आप लोग लेकर आओगे, जो हमने ये डायलॉग्स पढ़े अभी, जो खुद बाबा साहब अम्बेडकर के हैं, जो उनके प्रस्ताव में दिए गए थे, उसी का ये असर सामने आने वाले वक्त में उभर आएगा कि आपके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं, जिसका जिसके पास पैसा है वही इकोनॉमी और वही सिस्टम रूल कर रहा है। अब आप क्या करोगे, इसका कोई उपाय किसी के पास, नेहरू के पास भी इसका जवाब नहीं था, गांधी जी तो थे नहीं, गांधी जी से झगड़ा होता उस पीरियड में तो फिर एक अलग बात हो सकती थी, क्योंकि देखिए उस समय के लीडरान कौन थे, बाबा साहब अंबेडकर लड़ते तो किससे लड़ते, वो गांधी से ही लड़ सकते थे, इसको थोड़ा समझना चाहिए, वो नेहरू से नहीं लड़ सकते थे, नेहरू की बौद्धिक क्षमता चैलेंज नहीं कर पाती अंबेडकर को, गांधी की बौद्धिक क्षमता इसलिए चैलेंज कर पाती क्योंकि गांधी देश देख रहे थे, दुनिया देख रहे थे, और वो लोगों को औजार बना रहे थे संघर्ष करने के लिए। तो इस डायलॉग को बाबा साहब अम्बेडकर समझ रहे थे कि उन्हें कहां चीजें टकरानी है, कहां किसे गिराना है, लेकिन कोई उपाय नहीं था क्योंकि गांधी भी नेहरू के मोपाश में थे या मोतीलाल नेहरू के मोपाश में थे, और पार्टी उस पैसे से चल रही थी। एओ ह्यूम कौन थे, एओ ह्यूम जिन्होंने 1885 में कांग्रेस का निर्माण किया, कौन थे वो, सरकारी नौकर थे साहब, 1882 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को महसूस होने लगा था इस देश के भीतर कि अलग अलग जगहों पर समुदाय इस देश में खड़े हो रहे हैं, जो आज CID की रिपोर्ट्स जो आती है, जो गवर्नमेंट आज के दौर में करती है, उस पीरियड में ब्रिटिशर्स भी कह रहे थे। तब उन्होंने ह्यूम से कहा, यार एक पार्टी तो बनाओ जिसमें पॉलिटिशियंस की आवाजाही हो, बड़े, ये रजनी बामदत्त की किताब पढ़िएगा इंडिया टुडे, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा गया है। तो हम लोग जिस स्थिति में लगातार चीजों को आज सोच रहे हैं, हो सकता है जब आजादी के 100 बरस हो जाए उस दिन भी हम यही डिस्कशन कर रहे हो, उम्र बढ़ चुकी होगी, आपकी भी उम्र बढ़ चुकी होगी, हो सकता है हम यही डिस्कशन कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर मौजूदा वक्त में कह रहे हैं 75 ईयर्स 2022 में भारत की आजादी के होंगे, हम उस समय के लिए तैयार ना, हो सकता है उस दिन भी हम लोग भाषण इसी रूप में देकर आपसे डिस्कशन कर रहे हो, या इसी तरीके की स्थितियां बनी हो, क्यों ये स्थितियां हैं, और इन स्थितियों को काउंटर करने के लिए हमारे पास वो कौन से सवाल है जो गायब है, जाहिर है यहां पर, और जो एजुकेशन दिया जा रहा है, बार बार विश्राम जी हम धन्यवाद दे रहे हैं आपको कि आप ऐसा रिसर्च सेंटर तो खोल दें नागपुर में जहां पर लोग आए और वो सारी किताबें मौजूद रहे, और यहाँ के स्टूडेंट कम से कम निकले पढ़े समझे, क्योंकि अब जो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो दिया जा रहा है उसमें सरकारी आंकड़े खुद ही कहने को तैयार हैं कि साहब एक बात तो है, लगभग पूरे देश के भीतर में 2.25 लाख शिक्षक चाहिए, कम हो रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहिए उन्हें लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, क्या करें, कुछ स्टेट के हाथ में है, कुछ सेंटर के हाथ में है, खुद ही कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड वाइड के एजुकेशन सिस्टम से लगभग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 60% नीचे हैं, हमारा नहीं है, हम लोग यूपी बिहार में लगातार वो करते रहते हैं, पिछले दिनों हमने दिखाया भी कि टॉपर की क्या हालत है, टॉपर साहब पॉलिटिकल साइंस की हुई है लेकिन पॉलिटिकल साइंस शब्द नहीं बोल पा रही है, हमने ये भी दिखाया टीचर जो पढ़ा रहा है वो ABCD नहीं बोल पा रहा है, वो पता नहीं है उसको कि प्राइम मिनिस्टर कौन और प्रेसिडेंट कौन है, स्टेट कैपिटल कौन सा है, नहीं पता, हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम उस एजुकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें लिटरेसी होनी चाहिए, लिटरेसी का मतलब ये होता है ABCD का ज्ञान आपको हो जाए, ये स्थिति में हिंदुस्तान अगर भटक रहा है तो आप कहां पर खड़े होंगे। कल परसों हम अध्ययन जब कर रहे थे तो हमें नजर आया कि हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहां पे जो नुमाइंदगी करता है जितने लोगों की वो सबसे ज्यादा है। अब आप सोचिए हिंदुस्तान में 2011 के सेंसस के मुताबिक एक सांसद को अपने अंदर जो 10 लाख से ज्यादा लोगों की वो नुमाइंदगी करता है। तो मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर को जब भी याद किया जाए, खासतौर से जब हम आज जयंती के दिन मौजूद हैं, हमको लगता है कि उनकी उस पूरी स्टडी को सामने लाना चाहिए, और उस स्टडी के आधार पे शायद
कुछ क्रिएट कर सके या आगे बढ़ सके या बता भी सके, क्योंकि ये भी जेन्युइनली हम लोग बताने की स्थिति में आ नहीं पा रहे हैं।